सो अगर आप भी एक न्यू यूट्यूबर हो एंड अपने सब्सक्राइबर को इंक्रीज करना चाहते हो देन आपके वीडियो में ये सब्सक्राइब बटन एनिमेशन होना ही होना चाहिए। जब आप ये बोल रहे हो तो कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल या फिर सब्सक्राइब माय चैनल, उस समय अगर ये एनिमेशन आ जाए तो आपके ऑडियंस का अटेंशन बढ़ जाता है एंड आपका सब्सक्राइबर इंक्रीज होने का चांसेज भी बढ़ जाता है। और ये तरीका यार बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज करते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर तो आगे बने रहें वीडियो पे एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब स्टार्ट करने से पहले बता दूं, लाइक जरूर कर देना, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। So, इस टाइप का सब्सक्राइब एनिमेशन आज हम एडिट करने वाले कंप्लीट ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल ए टू जेड हर एक चीजों को बता दूंगा, अपने वीडियो के ऊपर कैसे अप्लाई करना है सारा चीज मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यारों सबसे पहले ना आपको कुछ इस टाइप का मीन्स वीडियो चाहिए होगा, ठीक है। तो इस टाइप का वीडियो का लिंक मैं दे दियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक दो का लिंक है, ज़्यादा नहीं है उसमें। अगर आपको इस टाइप का बहुत सारे चाहिए या फिर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हो इस टाइप का इफेक्ट, ठीक है, तो इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एडिटिंग दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली से क्या करना, गूगल या फिर क्रोम में सर्च आउट कर लेना पिक्साबे। पिक्साबे एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पर आप कॉपीराइट फ्री वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके अंदर आता हूँ ना, उसके बाद सिंपली से हम यहाँ पे सब्सक्राइब बटन सर्च आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन सर्च करने के लिए यार ये लोडिंग तो हो जाए, लोड हो चुका, देन यहाँ पे सब्सक्राइब लिख लेते हैं हम, देन उसके बाद इसके आगे बटन लिख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे टैप करके सिंपली से आप वीडियो को सेलेक्ट आउट करना और उसके बाद जस्ट आपको सर्च कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया, ये सर्च हो गया। देन उसके बाद यहाँ देख सकते हो और कमाल कमाल के आपके सामने इस टाइप के इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको पसंद आएगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आप बोलोगे भाई कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है यार, इसके ऊपर आपको टैप करना, ठीक है। टैप किया हमने एंड उसके बाद ये प्ले होगा, प्ले होने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बट प्ले करके आप देख लेना कि यार अच्छा है या नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ही आप डाउनलोड करना, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का इफेक्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाउनलोड करना, बट यार इसमें तो हम अपना नाम ये सब ऐड ही नहीं कर सकते, तो क्यों डाउनलोड करें, नहीं करेंगे इसे, ठीक है। अब कोई और हम देखेंगे, तो देख सकते हो इसमें हम अपना लोगो एंड नाम डाल सकते हैं, तो इसे हम डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है, फ्री डाउनलोड के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आपको अपना रेजुलेशन को सेलेक्ट करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप वो सब्सक्राइब बटन को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और इस वेबसाइट का भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम इसे एडिट करते, तो एडिट करने के लिए काइनमास्टर सबसे बेस्ट होने वाला है, तो सिंपली से हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके जस्ट 16:9 को सेलेक्ट करके क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सिंपली से आपको जो भी डाउनलोड किए होगे वीडियो उस वाली वीडियो के ऊपर आपको टैप करना है, ठीक है। तो मैं डाउनलोड वाले फाइल में जाता हूँ, देन उसके ऊपर टैप करता हूँ, तो ये ऐड हो चुका, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है, ओके ना। इसमें आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, जहाँ तक ये इफेक्ट है ना, ठीक है, जैसे कि ये इफेक्ट जो है वो हमारा यहाँ तक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला पार्ट को जस्ट कर देंगे ट्रिम या फिर यू बोलो खत्म कर देंगे, ठीक है। इतना काम आपको करना होगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लोगो ये सब ऐड करना है, ठीक है। लोगो ऐड करना है, अपना नाम ऐड करना है, तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक है। आपको सबसे पहले लेयर के ऊपर टैप करो, मीडिया के ऊपर क्लिक करना एंड आपको अपना लोगो ऐड करना होगा। तो जो भी फाइल में आपको लोगो उस वाले फाइल में जाना एंड लोगो को सेलेक्ट आउट करना। देन यहाँ से अगर आपका भी लोगो कुछ इस तरीके का है तो क्रॉपिंग के ऊपर आके सिंपली से मास्क को इनेबल करके यहाँ से सर्कल को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ देख सकते हो इस टाइप का आपका सर्कल में आ गया। अब इसे क्या करना होगा, इसे छोटा करके इस वाले बक्से में आपको फिल कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिलअप करना है, बट देख सकते हो स्टार्टिंग से हम ये फिल कर दे रहे और ये नीचे से यहाँ पे आ रहा है तो उतना सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें एनिमेशन करना होगा, तो सबसे पहले तो इसे वीडियो के लास्ट तक कर लो, ठीक है। सो एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर टैप करना, अपने लोगो के ऊपर इनके ऊपर आना है एंड यहाँ पे जस्ट स्लाइड अप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्लाइड अप को सेलेक्ट करके जस्ट डन कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है। बट इसमें आप देख सकते हो कहीं पर क्या हो रहा है ना कि पहले हमारा लोगो आ जा रहा है देन उसके बाद ही आ रहा है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि आप एनिमेशन के ऊपर आके इसे जस्ट आप कम ज़्यादा करके देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद सही हो जाएगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देन
देन उसके बाद इसे पूरा लास्ट तक हमने किया कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना होगा, ठीक है, या फिर चैनल का नेम लिखना होगा। तो लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको अपने चैनल का नेम लिख लेना है। तो मैं सिंपली से यहाँ पे सुधांशु लिख लेता हूँ। फिलहाल तो हमारे चैनल का नाम का प्रोडक्शन है बट मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, देन डन करना है। तो आपको अपने चैनल का नाम लिख लिया, देन डन करते ना उसके बाद इसमें भी हमें यार एनिमेशन ऐड करना होगा, बट उससे पहले इसे अच्छा से हम फिक्स आउट कर लेंगे, ठीक है। देन इनके ऊपर आएंगे एंड फिर से वही वाला स्लाइड आपको सेलेक्ट करेंगे तो एनिमेशन हमारा बन जाएगा। अब उसके बाद इसे डन कर दे तो देख सकते हो यार हमारा आराम से यहाँ एनिमेशन बन गया। बट फिर वही प्रॉब्लम हो रहा है कि यार ये मिनट से पहले आ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है। इतना मैंने किया, देन उसके बाद देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से करके आपको ये एनिमेशन बनाना है। अब इसे पूरा वीडियो के लास्ट तक आपको कर देना, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हो वीडियो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। अब इसे यूज कैसे करें यार, मीन्स हम अपनी वीडियो के ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है यार। अब आउट एनिमेशन भी हो रहा है तो आउट भी हम कर देते, ठीक है। आउट पे आना एंड इसे आप स्लाइड डाउन सेलेक्ट करना, अपने लोगों के ऊपर भी आना एंड स्लाइड डाउन सेलेक्ट करना, तो मीन्स आउट एनिमेशन भी सही से बन जाएगा, ओके ना। उसके बाद ये वीडियो क्रिएट आउट हो चुकी है हमारी, सब्सक्राइब वाला मीन्स सब्सक्राइब बटन एनिमेशन हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम अपने वीडियो के ऊपर कैसे इसे अप्लाई करें। तो इसे अप्लाई करने के लिए एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर आपको टैप करना होगा, इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका, नाउ बैक करते हैं, ठीक है। अब आपको अपने वीडियो को ओपन करना है, जो वीडियो आप एडिट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला वीडियो एडिट कर रहा था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, लेयर के ऊपर टैप करके मीडिया के ऊपर टैप करना है, काइन मास्टर वाले में मीन्स आ जाना होगा और अभी जो आपने एक्सपोर्ट किया है इसे जस्ट आपको सिंपली से सेलेक्ट आउट करना, स्क्रॉल करके यहाँ पे सिंपली सा आपको क्रोमा की के ऊपर टैप करना है, ठीक है, एंड इसे इनेबल कर देना। तो देख सकते हो बैकग्राउंड हट जाएगा ग्रीन वाला, एंड यहाँ से थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करके इसे सही भी कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर लेना, ओके ना। उसके बाद इसे आपको जहाँ भी यूज करना है, अगर आप नीचे में यूज करना चाहते हो तो नीचे में रख सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ रखना है तो यहाँ रख सकते हो, मीन्स आपके वीडियो के अकॉर्डिंगली जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ पर इसे ऐड करना, एंड भाई हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरीके से करके आप इजिली ये एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो एंड अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हो। तो भाई आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट यार अगर आपको रियली में सब चीज समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो।